हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में पढ़ा। ये वो बेसिक्स है जो हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में मदद करेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देखिए और देन इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद आवर टुडेस लेक्चर। तो इस लेक्चर में सबसे पहली चीज हम लोगों को पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो हम लोगों ने मैग्नेटिक लाइन्स के बारे में पढ़ा था। जहां मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां मैग्नेटिक लाइन्स होती है। ओके, तो किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइन्स पास हो रही है, किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइन्स पास हो रही है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहते हैं हम लोग उसको? मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, सपोज ये इस तरीके का एक एरिया है, ठीक है, जिसका एरिया है ए, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ओके, इस तरीके से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस एरिया से कुछ लाइंस पास होने वाली है ना। हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस एरिया को कुछ लाइंस कट करते हुए जाएंगी। तो द नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस कटिंग थ्रू दिस एरिया दैट गिव्स द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, यानी इससे जितनी लाइंस कट होने वाली है हमको उससे पता चलेगा कि इस एरिया से फ्लक्स कितना है। ओके, नाउ फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, ओके, इनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट कर दें, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब वेक्टर बी, एंड एरिया वेक्टर, वेक्टर ए, ठीक है, यानी बी और ए के बीच का एंगल। तो अगर वेक्टर फॉर्म में इसको डिनोट किया तो इट इज वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। कुछ बुक्स में ए के बजाय डीएस भी दिखाए तो कोई टेंशन नहीं, उन्होंने एरिया को डीएस बोला है। ओके, नाउ हम लोग बात करेंगे इसके एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट होता है वेबर, वेबर या फिर और टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, दोनों बातें ध्यान में रखना, ये इसका एसआई यूनिट है, ठीक है। तो एसआई यूनिट याद रहेगा। इसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा, तो डायमेंशन कैसे निकालना पड़ेगा? डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ ए, है ना। तो डायमेंशन ऑफ बी निकालते रहेगा। डायमेंशन ऑफ बी कैसे निकालना, अगर नहीं पता है तो फिर डायमेंशन ऑफ बी कैसे निकालना? डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ आई इनटू डायमेंशन ऑफ एल। हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था ना, एफ इज इक्वल टू आईडियल साइन थीटा पिछले चैप्टर में, है ना, वहां से। तो बी का डायमेंशन आ जाएगा एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन आई वन एल वन। तो बी का डायमेंशन क्या आएगा फिर यहां से? एम वन एल जीरो टी माइनस टू आई माइनस वन इंटू एरिया का एल टू। तो फ्लक्स का डायमेंशन कितना हो गया बेटा? एम वन एल टू टी माइनस टू आई माइनस वन, ठीक है, ये डायमेंशन हो गया। बस इतनी बातें ध्यान में रखना है। ओके, अब फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? इसके लिए फ्लक्स, फ्लक्स ये मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री रहेगा। और फ्लक्स ये मिनिमम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, है ना। मतलब वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ठीक है। इतनी बातें नोट डाउन कर लो, ये भी बेसिक्स में ही आएगा। अभी हम लोगों ने चैप्टर शुरू नहीं किया है तो बेसिक्स वाला जो पार्ट पिछला कल लिखा था उसमें कंटिन्यू करने हैं। ओके, तो यहां हम लोगों का बेसिक्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का पहला टॉपिक जो यहाँ पे हम लोगों को है इस साल बोर्ड में, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले ये देखते हैं, क्योंकि ये इस टॉपिक में हम लोगों को देखना है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्यों होता है, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्यों होता है। अब
याद है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर करंट लूप है, ये किसके जैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेट के जैसे, है ना। कौन से मैग्नेट के जैसे, जिसका ऊपर कौन सा पोल है, जिसका ऊपर कौन सा पोल है बताओ, करंट ऐसा है, याद है ऐसा बताया था, ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। और हर मैग्नेट ये डायपोल के जैसे बिहेव करता है, डायपोल के जैसे, और इसी ये इसके पास में इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होना चाहिए। आज से हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, और इसका मैंने फॉर्मूला लिखा के दिया था तुम लोगों को पिछले लेक्चर में, एन आई ए लिखा के दिया था फॉर्मूला, ठीक है। अब एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, लेट अस से ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे हैं, ओके। अब करंट है, करंट किसकी वजह से आता है, करंट चार्ज की वजह से आता है ना। जब चार्ज घूमता है, चार्ज घूमेगा तो क्या आएगा, करंट। इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज है ना, तो उससे भी क्या आएगा, करंट ही आएगा। तो मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू करंट लूप। किसके इक्विवेलेंट हो, करंट लूप जिसका नंबर ऑफ टर्न एक ही है, एक ही टर्न का करंट लूप के जैसे बिहेव कर रहे हो, एक टर्न का करंट लूप, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होना चाहिए, एन आई ए, लेट अस से रेडियस आर है, तो इट इज आई ए एन ए पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एन की वैल्यू तो वन है ना, एन की वैल्यू तो वन है कि नहीं। लेकिन अब आई का वैल्यू कितना है, करंट, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, है ना, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उस पर चार्ज कितना है, ई, और उसको पूरा एक चक्कर काटने में, पूरा एक चक्कर काटने में टाइम कितना लगता है, टी, है ना, टी लगता है। तो देयर व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना रहेगा, ई बाई टी, आई की जगह ये वैल्यू डालेंगे ना अपन, इंटू पाई आर स्क्वायर। बट टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करता है एक रोटेशन में, एक रोटेशन में इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कवर कितना करता है, टू पाई आर, और स्पीड कितनी है, वी, डाल दो वैल्यू यहां पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, ई अपॉन टू पाई आर अपॉन वी इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कट हो गया, एक आर कट हो गया, वी ऊपर चला गया, तो देयर फोर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू ई वी आर बाय टू। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ई वी आर बाय टू। अब इसको ओ आर बी लिखेंगे हम लोग, ओ आर बी यहां पे क्यों लिखेंगे, मैं तुमको बस थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। अभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर विद दिस, समझा गया सबको। अब एक और चीज इसमें याद रखना, शॉर्टकट में अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो आई का वैल्यू रहेगा ए इंटू एफ, ए इंटू एफ, अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो, इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी दी है तो ई इंटू एफ, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का दूसरा फॉर्मूला डायरेक्ट आई की जगह ई इंटू एफ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई एफ इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला भी है, ये भी नोट डाउन करके रख लो, ठीक है, ये डिराइव करना पड़ेगा, ओके। तो ठीक है, सभी ने ये नोट डाउन कर लिया है ना, इसको डिटेल में अपने टेक्स्ट बुक में पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो चेक कर सकते। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये लिख के रख देता हूं, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है EVR by 2, ओके। अब एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एम वी आर, है ना, मैं इसको एम ई बोल दूंगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एम वी आर। तो एक काम करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो देयरफॉर एम ऑर्बिटल या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ई वी आर बाई टू
अपॉन एम वी आर कैंसिल. तो एम ऑर्बिटल ये एल इधर चला गया, दैट इज इक्वल टू ई बाय ट्वाइस एम इनटू एल. ये एक और फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर विद दिस. सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विद इट्स एंगुलर मोमेंटम का, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के साथ में रिलेशन है ये, ठीक है. लेकिन सिंस इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्ज है तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये अपोजिट रहेगा वेक्टर एल के. इसके अपोजिट रहेगा वेक्टर एल के, अपोजिट रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सॉरी नोट डाउन करके रखो, है ना. तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा तो वेक्टर फॉर्म में एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू माइनस ई बाई ट्वाइस एम इंटू वेक्टर एल. This is also important from the point of view of board exam. याद रखना सभी. Okay? Clear with this? समझ आया सबको? हाँ? तो ये अभी तक का हमारा important part था, magnetic dipole moment of revolving electron. Okay? Now, gyromagnetic ratio. Okay? How do you define gyromagnetic ratio? It is the ratio of magnetic dipole moment of revolving electron to its angular momentum. The ratio of, kitna simple definition hai na? The ratio of magnetic dipole moment of revolving electron to its angular momentum, that is known as gyromagnetic ratio. Ab iska value aata hai E by twice n. Kaise? क्योंकि अभी तो हम लोगों ने देखा था m ऑर्बिटल इज इक्वल टू e by twice m into l. अब मुझे बताओ फॉर इलेक्ट्रॉन यू नो e व्हाट इज चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 into 10 to the power minus 31. सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो m ऑर्बिटल अपॉन एल यानी गायरोमैग्नेटिक रेशियो इट इज 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 2 इनटू 9.131 इनटू 10 टू द पावर माइनस 31 है ना, सॉरी 9.1 है ना. अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो तुम, बैठ के कैलकुलेट कर लेना इसको कैलकुलेटर पे, है ना, कितना आएगा. लेकिन एक बार ध्यान में रखना, मतलब मैंने कहीं तो देखा था, एक किताब में देखा था एक जगह इसका, एक बार एक एमसीक्यू, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. क्वेश्चन था व्हाट इज अ एसआई यूनिट, व्हाट इज अ एसआई यूनिट ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो. गायरोमैग्नेटिक रेशियो का एसआई यूनिट बोला था, बच्चे बिंग हो गए. इसका एसआई यूनिट निकाल रहे हैं, एल का एसआई यूनिट निकाल रहे हैं और फिर उसको निकाल रहे हैं. मतलब इतना सिंपल है ना, देखो राइट साइड में क्या क्या चीजें हैं. ऊपर कौन है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम. नीचे कौन है, मास, उसका ऐसा यूनिट केजी. तो क्या हो गया ऐसा यूनिट कूलम पर केजी. अब मुझे बताओ इससे डायमेंशन निकालना कितना आसान है कि नहीं. डायमेंशन निकाल सकते हो गायरोमैग्नेटिक रेशियो का, है कि नहीं, आसान था कि नहीं था. हाँ, ओके, तो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, इसका वैल्यू अभी तुरंत निकाल लो. नेक्स्ट बोर मैग्नेटॉन, नाम सुनने में बड़ा भारी है, मुझे ये शब्द बड़ा अच्छा लगा, मैग्नेटॉन. मैग्नेटॉन, ओके, वेरी सिंपल इट इज. हाँ, इसका जो पहला पार्ट है, इसका डेरिवेशन का जो पहला पार्ट है वो हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे. लेकिन आई गेस आई होप शायद तुम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बोर्स ने पोस्टुलेट दिए थे केमिस्ट्री में, बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना. काफी समय हो गया पढ़ने को, आई नो बहुत समय हो चुका है, तो
आई एम प्रेटी मच श्योर कि तुमको याद नहीं होगा, बट आई होप आई गेस तुमको याद आएगा। मैं पढ़ाऊंगा, मैं तो एक्जैक्टली पढ़ाऊंगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई के अंदर। वहां से बोर के सेकेंड पोस्टुलेट से शुरुआत होती है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, डोंट वरी, जब मैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ाऊंगा, इट विल बी इन जस्ट टू थ्री वीक्स में मैं पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा वहां पे। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, और आगे जाके अपन ने एन को क्वांटम नंबर बोला है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला है, ठीक है, ये है वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एन एच अपॉन टू पाई, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एम ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है, ई बाई ट्वाइस एम ई इंटू एन एच अपॉन टू पाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम अलग लिख के ई एच अपॉन टू पाई, सॉरी फोर पाई, टू इंटू टू फोर पाई एम ई लिख सकते। नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट के लिए एन इज इक्वल टू वन, तो देयरफॉर व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज इक्वल टू ई एच अपॉन फोर पाई, सॉरी क्यू लिख रहा हूं मैं इसको, फोर पाई एम ई। नाउ दिस आर ऑल कॉन्स्टेंट, ई का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, एम ई का वैल्यू पता है, सो अगर ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो दिस कॉन्स्टेंट, सॉरी पहले तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले, दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज बोर मैग्नेट्रॉन। This constant is known as Bohr magneton. और Bohr magneton का जो value है वो आता है 9. देखो याद कैसे रखना, 9.274 पॉइंट के बाद में नंबर देखो क्या है, 9.274 into 10 to the power, ये 7 छोड़ दो, -24। अब इसका यूनिट क्या आएगा, देखो अब इसका यूनिट तुम देखोगे सर, ई का यूनिट निकालो, एच का यूनिट निकालो, एम का यूनिट निकालो, उससे निकालेंगे क्या, नहीं कोई टेंशन नहीं। देखो एम ऑर्बिटल है, ये नंबर है, इसका तो कोई यूनिट नहीं होता है, और ये बोर मैग्नेटॉन है, तो बोर मैग्नेटॉन का यूनिट वही होना चाहिए जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से यूनिट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, आसानी से याद हो जाते हैं, बट देखो कितना इंटरेस्टिंगली वही आ जाता है, मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है यूनिट निकालना, है कि नहीं, आसान था कि नहीं था। 9.274, ये 7 को छोड़ दो तो बचा 24 डेसिमल के बाद में, तो -24 ऐसा लगा, माइनस लगा था लेकिन याद से तो भूल जाओगे। ओके चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, ओके, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम विद द हेल्प ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये भी कहा था तुम लोगों को, हाँ ये भी कंसेप्ट अपने को केमिस्ट्री में था, हंट्स रूल है ना, अपो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये रिलेटेड किससे है, ये रिलेटेड है क्वांटम नंबर से, है कि नहीं, तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग पढ़ेंगे यहां पे। देखो पहला पॉइंट क्या बोला है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज वेक्टर सम ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट समझा गया, कोई भी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, किसी भी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इट इज सम ऑफ, लेकिन कैसा सम है ये बेटा, वेक्टर सम है, काय का वेक्टर सम है, इट इज वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। ओके ये इस बारे में सुना होगा तुम लोगों ने, तो अभी सिर्फ याद रखो, कोई भी एटम का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है ई वी आर अपॉन टू, तो कोई भी एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ किसका किसका, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दैट इज N, L, ML and MS defining a state. Okay,
अब तुम लोगों को पता होगा ना एन एल एम एल एम एल और एस क्या है. ओके, एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एल को क्या बोलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर. कौन सा बोलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर. ओके, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोला? कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के पास में ये चारों का वैल्यू सेम नहीं हो सकता. हर 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 इलेक्ट्रॉन का एन एल एम एल और एम एस होता है. हर इलेक्ट्रॉन के पास में एन की एक वैल्यू होती है, एल की एक वैल्यू होती है, एम एल की वैल्यू हो सकती है, एम एस की वैल्यू होती है, हो सकती नहीं, होती है. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है हर एक के पास में यह डिफरेंट सेट्स रहेगा. मतलब ऐसा हो सकता है कि एन एल एम एल सेम है, एम एस अलग रहेगा. एन एल एम एस सेम है, एम एल अलग रहेगा. एन एम एल एम एस सेम है, एल अलग रहेगा. एल एम एल एम एस सेम है, एन अलग रहेगा. कोई भी दो आइटम का ये सभी वैल्यू सेम नहीं हो सकते. देयरफॉर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर द आइटम विथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम स्टेट डिफाइनिंग बाय एन एल एम एल विल बी सीन. क्योंकि ये जो एम एस होता है ना, ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होता है. स्पिन जो है, एक स्पिन ऐसी होती है, एक स्पिन ऐसी होती है. ओके, तो जिन भी आइटम्स में क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. जिन भी आइटम्स के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे. तो अभी सिर्फ तुमने ध्यान में रखना, जिन भी आइटम्स के पास में क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, तो उनकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो रहेगी. ओके, और द एटम विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल पजेस नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, क्या बोला वो चीज में, कि जिनके पास में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड रहे तो पेयर नहीं होने वाली है. ऑड रहे तो पेयर नहीं होगी, तो पेयर नहीं होगी तो उनकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं रहेगी, इट वुड बी नॉन जीरो. पेयर्ड है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो है. ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब जहां पेयरिंग नहीं है, क्योंकि ऑड में पेयर कैसे हो सकती है, तीन में पेयर कैसे हो सकती है, एक और दो पेयर करेंगे एक अकेला रह जाएगा, है ना. सात इलेक्ट्रॉन्स है, सात में पेयर कैसे हो सकती है, एक दो तीन चार पांच छह सातवा अकेला. यानी जिनके पास में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उनके पास में मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो रहेगा. द इनर ऑर्बिट्स आर ऑलवेज कंप्लीटली फिल्ड एंड हेंस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम. अब अंदर के जो ऑर्बिट्स होते हैं, एक आउटर मोस्ट वैलेंस होते हैं और बचे हुए अंदर होते हैं. अंदर के सभी ऑर्बिट पेयर्ड फिल्ड होते हैं. फिल्ड होते हैं मतलब क्या, पहले ऑर्बिट में दो है मतलब पेयर है, दूसरे ऑर्बिट में आठ है वो भी पेयर्ड है, तीसरे ऑर्बिट में 18 है अगर भरा हुआ है तीसरा ऑर्बिट भी, अंदर का ऑर्बिट है, चार ऑर्बिट है, पहला दूसरा तीसरा भरा हुआ है, तो हर एक में तो इवन नंबर है ना. पहले वाले में दो है, पेयरिंग कंप्लीट है. पेयरिंग के लिए क्या चाहिए, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. दूसरे वाले में आठ इलेक्ट्रॉन्स है, सब पेयर्ड है, आठ का पेयरिंग हो सकते हैं ना, चार चार के दो सेट, सॉरी हाँ दो दो के चार सेट. तीसरा वाला ऑर्बिट सपोज चार चार में से तीसरा ऑर्बिट पकड़ेंगे, तीसरे वाले ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 यानी क्या है, दो दो के नौ पेयर्स, मतलब पेयर्ड है ना. तो अंदर के सब पेयर्ड है, और जो पेयर्ड होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं ना, उनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है. इसका मतलब क्या है, अंदर के ऑर्बिट से कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं मिलता. इसका यह मतलब ये भी तो हो सकता है कि बाहर के या वैलेंस ऑर्बिट से ही हम लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही मैग्नेटिक मोमेंट देते हैं एटम को. समझ में आया क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही, वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ही मैग्नेटिक मोमेंट देते हैं. ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक था. इसके बाद के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. ओके, दैट्स इट.